जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया। अरे भाई हमने क्या गलत काम किया, हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको इसमें कमी कोई मिली नहीं। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, आओ भैया मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, एनएच में कन्वर्ट कराएं, पुल पुलिया बनवाएं। तो ये काम तो हुआ, ऐसा नहीं कि काम हम लोगों ने नहीं किया। 18 महीने एक छोटा पीरियड होता है और उस समय तो हम, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार विधायक बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तब इतना काम किया। तो अब तो इन 7 सालों में 2 बार हम उप मुख्यमंत्री बन गए, विपक्ष के नेता बन गए, तो अब कितना अनुभव हो गया। चुनाव भी जो है बिना राष्ट्राध्यक्ष जी के शारीरिक रूप से यहाँ ना होने पर भी हमने उस जिम्मेवारी को निभाया, ईमानदारी से हमने काम किया, तो लोगों का प्यार मिला है। कड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को क्या सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? क्या तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? आप जो कह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? अरे भाई आप तैयार हैं? जब हम पहली बार विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, जब हम काम कर रहे थे बिहार के लिए, नितिन गडकरी केंद्र से सहयोग भी हम जा करके झगड़ करके ले आते थे, एक फायदा पहुंचाते थे, जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया। कितने साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ गलती की होती तो सजा तो न्यायालय दे ही ना देती। तो खैर इस चीज पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अभी ये सब मुकदमा लाता है, जब मेरा मूंछ नहीं था, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब। अरे भाई हमने क्या गलत काम किया, हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको इसमें कमी कोई मिली नहीं, कोई केस बना नहीं, तो भाई कैसे बना? तो ये तो देखिए हम लोग निश्चिंत हैं। कल ललन जी ने भी तो एक बात कही, करने दीजिए ना भाई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, आओ भैया मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। कब करें आप बताइए ना, हम पूछ रहे हैं। हम करेंगे, मुख्यमंत्री जी आदरणीय जैसा कहेंगे वैसा होगा, जब कहेंगे तब होगा। हम आप लोगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रख सकते हैं कि पत्रकार भाई लोग ही चाहते हैं कि कब हो, वही तारीख बताना चाहते हैं।